देखिएगा बेटा, अब हम यहां से डिस्कस करेंगे एल्कीन के बारे में। तो नंबर थ्री एल्कीन में आपको बताया अल्फा हाइड्रोजन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें सबसे पहला जो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वो एग्जांपल लिया है मैंने ये और ये। आप बताइएगा इसके अंदर आपके पास एच ओ सी का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले कार्बन गिनेगा बेटा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन सब में सेम है, सी सेम, कार्बन सेम है। तो हम यहां से स्टेबिलिटी के लिए अल्फा हाइड्रोजन बेटा, यहां पर भी आपके पास मिथाइल है और यहां पर भी मिथाइल है, इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। तीनों में अल्फा हाइड्रोजन भी सेम है, तो कार्बन सेम है, अल्फा हाइड्रोजन भी सेम है। बट अब हमने जब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के बारे में डिस्कस किया था, तब हमने कहा था बेटा उस एल्कीन की स्टेबिलिटी मोर होती है जिसमें आपके बोथ साइड मिथाइल ग्रुप होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से बनने वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। तो आप जरा देखो, अगर यहां से हम हाइपर कॉन्जुगेशन के वाया देखें तो हाइपर कॉन्जुगेशन के वाया भी चेक कर सकते हैं। तो इसको हाइपर कॉन्जुगेशन के वाया चेक करूं मैं, तो देखो यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसके वाले कार्बन पे नेगेटिव हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे हुआ चलो एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। एच ये कार्बन है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन भी होगा, यहां डबल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके वाया यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देखो इसके रेस्पेक्ट में, अब हम यहां पर भी ये चीज अप्लाई करते हैं। तो आप देखो यहां पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड है और ये आपका सी ए थ्री ग्रुप है और यहां डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये यहां पे आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी, यहां डबल बॉन्ड होगा, यहां पर कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा और ये सी ए थ्री हो जाएगा, ये आपका 2 डिग्री बन गया। आपको पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन में बात करें तो बेटा हमें पता है क्या कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन में 1 डिग्री की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से मोर है। तो इसका मतलब यहां पर अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो बेटा यहां पर स्टेबिलिटी 3rd की ज्यादा होगी। उसके बाद में देखो बेटा ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांस, और ये कौन सी फॉर्म है बेटा, सिस। और हमें पता है कि ट्रांस और सिस में से ट्रांस की स्टेबिलिटी मोर है और सिस की स्टेबिलिटी लेस है। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रांस में दोनों आपके ग्रुप दूर हैं तो रिपल्सन कम होगा, यहां पर रिपल्सन मोर होगा। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर यह है तो बेटा एच ओ सी का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात 3rd वाले का एच ओ सी सबसे कम होगा और 2nd वाले का एच ओ सी सबसे ज्यादा होगा। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर टू के अंदर देखिएगा, यहां से मैं एग्जांपल ले रहा हूं सी एच टू डबल बॉन्ड और ये रिंग, यहां पर मैंने लिया एग्जांपल सी एच थ्री और ये डबल बॉन्ड, और नेक्स्ट में मैंने लिया बेटा यहां पर सी एच थ्री और ये। आप देखो ये तो एक्सोसाइक्लिक है और ये दो आपके एंडोसाइक्लिक है। इसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो बेटा ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो बेटा 5 है, 3 प्लस 2। और अगर हम यहां पर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो बेटा हमेशा एक्जो की स्टेबिलिटी एंडो से ज्यादा होती है, तो पहले वाला एक्जो वाला आएगा, अर्थात 1st की स्टेबिलिटी 2nd और 3rd से ज्यादा है। अब 2nd और 3rd की स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे तो इनकी स्टेबिलिटी डिसाइड होगी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा बेटा 1st के बाद में होगा बेटा 3rd का, क्योंकि इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है, उसके बाद में 2nd का। तो बताओ एच ओ सी क्या होगा, इसका इनवर्स 1st से ज्यादा किसका होगा बेटा, 3rd का, और 3rd से ज्यादा किसका होगा बेटा, 2nd का। अब आ जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थ्री में मैं बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर थ्री मैंने ये लिया है। आप देखो सभी में आपका डबल बॉन्ड एक ही है, बट यहां अल्फा हाइड्रोजन डिफरेंट है। तो आप देखो 1st के अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 2nd वाले में 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी बेटा 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर 3 3 3 3 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपको पता है एच ओ सी स्टेबिलिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर एच ओ सी उसका ज्यादा होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम है। तो बेटा सबसे ज्यादा इसको मैं 1st मान रहा हूं, इसको 2nd, इसको 3rd और इसको 4th। तो बेटा सबसे पहले कौन सा वाला आएगा, 1st वाला। अब देखो यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है, बट ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है, जिसकी स्टेबिलिटी लेस होती है। तो पहले कौन सा आएगा बेटा, 3rd वाला आएगा, उसके बाद में बेटा आपका 2nd वाला आएगा और सबके लास्ट में 4th वाला आएगा, क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है
इसके पास सिक्स है, इसके पास सिक्स है, इसके पास ट्वेल्व है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इससे रिलेटेड, तो एग्जाम्पल नंबर फोर, एग्जाम्पल नंबर फोर के अंदर मैंने ये लिया है, तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर फोर में भी हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो यहां पर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, तो थ्री थ्री और थ्री, टोटल नाइन अल्फा हाइड्रोजन है। सेकंड में चेक करो बेटा, टू यहां पर है, थ्री यहां पर है, फाइव अल्फा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट में चेक करो बेटा, यहां पर केवल टू अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें यहां पर आपके पास थ्री था, यहां पर टू था, इसमें यहां पर टू है। इसमें चेक करो बेटा, यहां पर वन है, तो यहां पर वन अल्फा हाइड्रोजन है। और एच ओ सी अल्फा हाइड्रोजन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एच ओ सी किसका होगा, तो सबसे ज्यादा एच ओ सी बेटा किसका होगा, फोर्थ वाले का। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो बेटा सबसे ज्यादा एच ओ सी होगा फोर्थ वाले का, क्योंकि इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद में बेटा किसका होगा, थर्ड वाले का, क्योंकि इसके पास टू है। उसके बाद बेटा सेकेंड वाले का, क्योंकि इसके पास फाइव है। और सबसे लास्ट वाले में फर्स्ट का, क्योंकि इसके पास नाइन है। तो इसी के साथ आपके ये एल्कीन के कुछ एग्जाम्पल कंप्लीट हुए हैं जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड है। अब हम इसके अंदर कुछ और स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अभी हमने एल्कीन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम यहाँ से डिस्कस करते हैं नंबर नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें पता है बेटा कि अगर आपके पास डाइन है और उस डाइन के अंदर दोनों कार्बन दोनों डबल बॉन्ड पर जीआई हो रही है, तो ट्रांस ट्रांस वाले की स्टेबिलिटी हमेशा ट्रांस सिस वाले से ज्यादा होती है और ट्रांस सिस वाले की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है। तो बताओ इनके एच ओ सी का ऑर्डर क्या होगा, तो इनके एच ओ सी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, अर्थात ट्रांस सिस वाले की एच ओ सी सबसे ज्यादा और ट्रांस ट्रांस वाले की एच ओ सी सबसे कम होती है। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है जो कि आई आई टी में आ चुका है एग्जाम्पल, आप देखिएगा ये एग्जाम्पल, या डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं इसी के अंदर, ये लिए मैंने, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये सी है। आप बताओ इसमें स्टेबिलिटी और एचओसी का ऑर्डर। आप देखिएगा बेटा इसमें डाइन है और सभी आपके कॉन्जुगेटेड डाइन से, और बता दूं मैं ऑल आर द कॉन्जुगेटेड डाइन्स, सभी में रेजोनेंस हो रहा है। आप देखो यहाँ पर ये दोनों ग्रुप अपोजिट है ट्रांस है, यहाँ पर भी दोनों ग्रुप है ट्रांस है, अर्थात फर्स्ट वाला आपका टी टी है। सेकंड में आप देखो इसके अंदर डबल बॉन्ड पे दोनों ग्रुप ऊपर है, इसमें दोनों ग्रुप नीचे है, तो इसमें दोनों ग्रुप सिस है, तो ये आपके सिस सिस है। यहाँ पर देखो बेटा इसमें दोनों ग्रुप ऊपर है, तो ये तो सिस है, इसमें एक ग्रुप ऊपर है, एक ग्रुप ट्रांस है, तो यहाँ पर आपके पास सिस और ट्रांस है। तो बताओ अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है बेटा, ए वाले की, क्योंकि दोनों ट्रांस है, उसके बाद में सी वाले की, उसके बाद में बी वाले की। तो बताओ एच ओ सी का ऑर्डर क्या होगा, एच ओ सी सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, बी का, फिर होगा सी का और सबसे लास्ट में होगा ए का, क्योंकि एच ओ सी स्टेबिलिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो बेटा हमें पता है कि कॉन्जुगेटेड जॉइंट्स होती जो है, कॉन्जुगेटेड डाइन्स की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में होती है बेटा आइसोलेटेड की, और आइसोलेटेड के बाद में सबसे लीस्ट स्टेबल होता है क्यूमुलेटेड। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेटेड में तो रेजोनेंस होता है और इन दोनों में जो कंपेयर होता है वो अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग होता है। तो या अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, तो सबसे ज्यादा आपका कॉन्जुगेटेड, फिर आइसोलेटेड, उसके बाद में कौन सा आएगा, क्यूमुलेटेड आएगा। और एचओसी की बात करें तो एचओसी में इसका जस्ट उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, ये ऑर्डर अभी हमने जो लिखा है वो किसका लिखा है, स्टेबिलिटी का, एचओसी का ऑर्डर इसका इन्वर्ट हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कराता हूं, देखिएगा मैंने एग्जांपल लिया है साइक्लोहेक्सेन, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। सेकंड एग्जांपल लिया है मैंने बेटा आपके पास ये, और थर्ड एग्जांपल लिया है आपके पास ये, ये ए है, ये बी है और ये सी है। बताओ यहां पर एचओसी का ऑर्डर क्या होगा, तो आप देखिएगा फर्स्ट वाली जो है वो है आपकी आइसोलेटेड, सेकंड वाली है बेटा कॉन्जुगेटेड और थर्ड वाली है आइसोलेटेड। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि स्टेबिलिटी में बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी
कंपेयर टू ए और सी, क्योंकि बी जो है वो आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और ए और सी आपका आइसोलेटेड सिस्टम है। अब आप देखो इसमें नंबर ऑफ एल्फ हाइड्रोजन की बात करूं तो टू 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 टू, यहां पर टोटल एट एल्फ हाइड्रोजन है, जबकि यहां पर बेटा वन वन टू एल्फ हाइड्रोजन है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एल्फ हाइड्रोजन के हिसाब से मैं बात करूं तो यहां पर स्टेबिलिटी आ रही है बी, बी के बाद में आएगा बेटा ए और ए के बाद में आएगा बेटा सी। तो बताओ एच ओ सी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सबसे ज्यादा सी का, फिर ए का और सबसे लास्ट में बी का हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिएगा इसी से रिलेटेड, एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा इसी से रिलेटेड। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो ये बेंजीन रिंग और उसके साथ में साइक्लोहेक्सेन रिंग, सेकेंड में देखो आप ये बनाया मैंने, और थर्ड में देखिएगा ये बनाया। अब आप देखिएगा इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकेंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया बेटा। फर्स्ट वाले में अगर हम बात करें तो यहां पर तो बेटा ये बेंजीन है, एरोमेटिसिटी है इसके अंदर, अर्थात हमारे पास यहां पर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर है, और एरोमेटिक कैरेक्टर है तो बेटा ये तो आपका हाईली स्टेबल हो गया। सेकंड वाला आइसोलेटेड है और थर्ड वाला आपका कॉन्जुगेटेड है, क्योंकि पाई सिग्मा पाई, तो थर्ड वाला कॉन्जुगेटेड है, सेकंड वाला आइसोलेटेड है, फर्स्ट वाला तो आपके एरोमेटिसिटी की वजह से हाईली स्टेबल है। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो बेटा फर्स्ट, उसके बाद थर्ड और उसके बाद सेकेंड, क्योंकि सेकेंड वाला थर्ड वाला आपका सेकेंड वाला आइसोलेटेड है, थर्ड वाला कॉन्जुगेटेड है, फर्स्ट वाला भी कॉन्जुगेटेड है, बट कॉन्जुगेटेड के साथ साथ एरोमेटिक भी है। तो बताओ एच ओ सी का ऑर्डर क्या होगा, एच ओ सी का ऑर्डर जस्ट का इन्वर्स हो जाएगा, अर्थात सेकेंड वाले का एच ओ सी सबसे ज्यादा होगा। इसी के साथ आपके दोनों पॉइंट क्लियर होते हैं। आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ पर मिक्स एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे मिक्स एग्जाम्पल। आपके पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है उस एग्जाम्पल में देखिएगा बेटा, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन, तो यहां पर आपके पास सेवन कार्बन है, इसमें भी सेवन कार्बन है, इसमें भी सेवन कार्बन है, बट इसमें एट कार्बन है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम यहां पर एच ओ सी की बात करें तो बेटा डी वाले का एच ओ सी सबसे ज्यादा होगा। ये डी है, ये आपका सी है, ये बी है और ये ए है, क्योंकि ए के डी वाले के पास नंबर ऑफ कार्बन एट है। अब आप देखो बाकी ए बी सी तीनों में नंबर ऑफ कार्बन आपके पास क्या है बेटा, सेवन है, तो वो डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू एल्फा हाइड्रोजन। यहां पर एल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो टू प्लस टू बराबर फोर एल्फा हाइड्रोजन, यहां पर एल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो बेटा थ्री यहां पर है, टू यहां पर है, टू यहां पर है, तो यहां पर आपके पास सेवन एल्फा हाइड्रोजन है। इस वाले में देखो बेटा एक यहां पर है, दो यहां पर है, तीन एल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब एच ओ सी एल्फा हाइड्रोजन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसके बाद में कौन सा आएगा, सी वाला, सी के बाद में कौन सा आएगा बेटा, ए वाला, उसके बाद कौन सा आएगा, बी वाला, क्योंकि इनके अंदर कार्बन तो सेवन है बट नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से डिसाइड हुआ है, क्योंकि सी वाले के पास तीन एल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले के पास में चार एल्फा हाइड्रोजन है और बी वाले के पास सेवन एल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां पर आपका एच ओ सी का ऑर्डर होगा डी सी ए बी। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में देखो बेटा नंबर ऑफ कार्बन, यहां पर आपके नंबर ऑफ कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव है, यहां देखो वन टू थ्री फोर फाइव है, फर्स्ट में फाइव है, सेकेंड में फाइव है, वन टू थ्री फोर फाइव, यहां पर भी फाइव है, और लास्ट में देखो वन टू थ्री फोर, यहां पर फोर है। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि बेटा यहां पर डी का एच ओ सी सबसे कम होगा क्योंकि इसके पास कार्बन फोर है, जबकि ए बी सी इनका ज्यादा होगा क्योंकि इन पे कार्बन फाइव है। अब आप देखो जिन पे कार्बन फाइव है उन पे अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे, यहां नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो बेटा टू अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो बेटा यहां पर थ्री है, यहां पर टू है, फाइव अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहां देखो बेटा टू है और यहां पर थ्री है, यहां पर भी फाइव अल्फा हाइड्रोजन है। बट आप देखो ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म है, और ये कौन सी फॉर्म है बेटा, सिस फॉर्म है, और सिस और ट्रांस में से सिस की स्टेबिलिटी कम होती है, ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब आपके पास ए बी और सी में से सबसे पहले सी आएगा क्योंकि इसके पास टू एल्फा हाइड्रोजन है। अब इसके पास भी फाइव है, इसके पास भी फाइव है, बट सिस की स्टेबिलिटी कम होती है, ट्रांस की ज्यादा होती है, तो पहले सिस वाला आएगा, अर्थात बी वाला आएगा जिसके पास फाइव एल्फा हाइड्रोजन है और सिस है, उसके बाद ए वाला आएगा जिसके पास फाइव एल्फा हाइड्रोजन है और ट्रांस है, और सबके लास्ट में डी वाला आएगा क्योंकि उसके पास फोर कार्बन है।
तो इसका आंसर होगा बेटा CBAD। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में आप देखो, पहले के अंदर हमारे पास 4 कार्बन है, अगले में 6 कार्बन है, और अगले में हमारे पास 10 कार्बन है, अगले में हमारे पास 8 कार्बन है, यहां पर भी हमारे पास 8 कार्बन है। आप देखो यहां पर 8 कार्बन के साथ दोनों ग्रुप सेम साइड है, तो ये सिस है और ये कौन सी फॉर्म है बेटा, ट्रांस है। और हमने स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन में जब पढ़ा था तब डिस्कस किया था, क्या इफ नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग 8, 9, 10, 11, तो ऐसी कंडीशन पर बेटा सिस की स्टेबिलिटी हमेशा ट्रांस से ज्यादा होती है। तो बताओ अगर सिस की स्टेबिलिटी ट्रांस से ज्यादा है तो HOC का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, अर्थात ट्रांस वाले का HOC सिस से ज्यादा हो जाएगा। अब हम यहां देखेंगे पहले अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से। तो बेटा इसको मैंने मान लिया P, ये मान लिया Q, ये हो गया आपका R, ये हो गया S और ये हो गया T। तो बेटा सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले वाला R वाला आएगा HOC में, सबसे पहले R क्योंकि इसके पास 10 कार्बन है। उसके बाद में SOT आएगा, SOT में से पहले कौन आएगा, ट्रांस वाला, अर्थात आपके पास आएगा पहले T और उसके बाद आएगा बेटा कौन सा, S, क्योंकि इन दोनों के पास 8 कार्बन है, एक ट्रांस फॉर्म है और एक सिस है और सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा है यहाँ। उसके बाद में आएगा बेटा 6 कार्बन Q, इसके पास कार्बन 6 है, और उसके बाद में आएगा बेटा P क्योंकि इसके पास कार्बन 4 है। इसी के साथ आपका ये बेटा हीट ऑफ कंडेंसेशन का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।